भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मंत्री हैं और हैं, तमाम लोग कई छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। ऐसे में पूर्व मंत्री हैं छत्रपाल जी, इन्होंने भी अपना भारतीय जनता पार्टी के जो पद हैं उनसे इस्तीफा दे दिया और आप पार्टी को ज्वाइन कर लिया। सर, आपने आप पार्टी को ज्वाइन किया है और क्या कारण रहे जो भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दिया? प्रवीण भाई, जैसा आपने सवाल किया, आप तो हिसार में ही रहते हैं। खेदड़ थर्मल पावर प्लांट के अंदर लोगों ने गौशाला की मेंटेनेंस और चलाने के लिए धरनों को दिया, कोई भी लंबे समय तक सरकार ने नहीं सुने और हमारा एक बुजुर्ग वहां पे शहीद हुआ। तो ये ऐसा विषय है कि सरकार संवेदना ही नहीं रखती क्या पब्लिक के साथ? आपने इस बात को देखा कि नेशनल हाईवे को बंद कर दिया गया और अल्टरनेट पैसेज दिया नहीं गया, महीनों तक लोग धरने पे बैठे रहे। मैं भी वहां पे गया, मैंने भी लोगों को अप्रिशिएट किया कि अपनी बात को तो कहना पड़ता है। ये नॉट ओनली तलवंडी अकेला, पूरा बरवाड़ा तक इस नेशनल हाईवे के ऊपर जो लोग रोजमर्रा की जिंदगी में हिसार आते थे उनको बहुत बड़ी बाधा उसके अंदर पैदा करके दी सरकार ने, तो बहुत लंबे समय तक बैठे रहे। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की संवेदनाएं नहीं थी। किसानों के मसले थे जिनको हमेशा ठीक कहते रहे और फिर अंतोगत्वा वापस लिया। कितने महीनों तक सरदार किसान गर्मी सर्दी धूप प्यास के अंदर बैठा रहा, और चाहे पहलवानों की बात थी, चाहे जवानों की बात थी, चाहे अग्निवीर का इशू था और चाहे कर्मचारियों की बात थी वेलफेयर की, चाहे किस कर्मचारियों की पेंशन स्कीम की बात थी, ये कितने ऐसे मुद्दे थे जिनके ऊपर सरकार ने कभी संवेदनाएं नहीं जाहिर की और सरकार उसके पक्ष में इमीडिएटली इंटरवीन करके उस चीज को नहीं निपटाया। तो ये सारे सवाल थे जो कहीं ना कहीं जो उम्मीद के साथ में बीजेपी में गया था उस उम्मीद को निराशा में बदल रहे थे। और मेरी पब्लिक, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट, मेरे साथी भी इस बात से आहत और पीड़ित थे कि शायद हमने वहां जाने का फैसला जो लिया है, जिस सोच के साथ लिया था, उसके अनुरूप चीजें नहीं चल रही हैं। और दूसरी बात ये नजर में आई, मैं करप्शन के खिलाफ हमेशा लड़ता रहा। भारतीय जनता पार्टी जब तक बहुत विस्तृत नहीं थी तब से मैं हरियाणा की देश की राजनीति में करप्शन के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी। तो मेरे जैसे आदमी को अकोमोडेट क्यों नहीं किया जा रहा था? क्या मतलब करप्शन से विरोध करने वाले व्यक्तियों को अंदर सरकार में या पार्टी के हाई अप्स में एंट्री करवाने से वो चीजें लीक होने का डर था क्या? मेरे जैसे प्रशासनिक स्किल के व्यक्ति को कोई उत्तरदायित्व क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि जो कोई इंटरनल चीजें हैं वो बाहर जाने से इस व्यक्ति को रोका नहीं जाएगा, ये भूलेगा, तो क्या इसलिए अवॉइड किया था? मैं ये कहता हूं कि असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर अपराइट सोच के आदमियों को क्यों नहीं बढ़ाया जाता? हमें असेंबली से रोका गया, हमें पार्लियामेंट से रोका गया, और मैंने पूछा भी ये कारण क्या है? नहीं नहीं हम विचार कर रहे हैं। तुम विचार क्या ये कर रहे हो कि हमारे जैसे लोग जिनकी आस्था लोगों में और लोगों की आस्था जिनमें है, वो लोग असेंबली और पार्लियामेंट के अंदर जाकर के लोगों की समस्याओं को, लोगों के विषयों को अटेंड ना कर पाए, उनकी आवाज को बुलंद ना कर पाए? यदि इस किस्म की सोच तुम्हारी है तो मैं राजनीति किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं आया था करने के लिए, क्योंकि मेरा छात्र राजनीति से स्वतंत्र विचार था मुद्दों के ऊपर, पब्लिक वेलफेयर के ऊपर, देश के कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करने पर, देश के कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इस देश को मजबूत करने पर, ये मेरे बेसिक थॉट्स के अंदर था। और उन थॉट्स के मदद के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सहायक हो सकता है तो कांग्रेस काफी समय तक हमने इकट्ठे काम किया, और फिर तब ये लगा कि कांग्रेस के अंदर राहुल जी ने भी वहां के जो बिल थे उनको फाड़ने का काम किया, बहुत सारे मुद्दे करप्शन के उठ करके आए, वो चीजें सामने आई, तो आहत हुए हम, तकलीफें हुई,
और ये लगा कि शायद भारतीय जनता पार्टी उसका कोई अच्छा अल्टरनेट विकल्प हो सकता है। 10 साल अंदर बैठ करके देखा कि वो भी हमारे संतोष के मुताबिक, हमारी सोच के मुताबिक कहीं ना कहीं दूर है, पीछे हैं। तो हमने कहा साहब हम अपने जीवन को समाप्त करने के लिए पार्टियों में नहीं है, हम अपने मिशन को लेकर के चलने के लिए सोशल पॉलिटिकल लाइफ में है। यदि आप लोगों को ठीक नहीं लगता है तो हमारे लोगों की टिकट के ऊपर गिराए, चालीसा की टिकट पे मैं लड़ दूंगा, मेरे बरवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के मतदाताओं की टिकट पे मैं लड़ दूंगा। आप कौन होते हैं? मालिक तो वोटर अपनी वोट का है, कोई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस थोड़ी मालिक है उसका। शहीदों ने, भगत सिंह जी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, सरदार पटेल ने, जितने ही भी लोगों के मैं नाम लूं, उन्होंने शहादत इसलिए चूमी थी कि व्यक्ति अपने वोट का, अपनी स्वतंत्रता के साथ अच्छे व्यक्तियों के पक्ष में मतदान करके इस राष्ट्र और आवाम की वेलफेयर के लिए काम करेगा। तो आप यदि ये रोकने का काम कर रहे हो तो हम लड़ेंगे। प्रोफेसर साहब, मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे लोकसभा क्षेत्र में जो चुनाव को लेकर आप टिकट की डिमांड कर रहे थे, दावेदार भी प्रमुख में से थे, और ऐसे ही बरवाड़ा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी से एक दावेदार भी थे, तो क्या लगता है ये जो टिकटों का वितरण हुआ है पहले भी और अब भी, क्या मानते हैं, संगठन की कमी मानते हैं या हाई कमान की कमी? देखिए, संगठन के अंदर, संगठन कोई गलत नहीं होता, संगठन कोई पूर्ण रूपे ठीक नहीं होता, क्योंकि संगठन की जो परिधि बनाई जाती है, विचारधारा, जिन विषयों को लेकर के संगठन बनता है, उसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो संगठन की मूल भावनाओं को के साथ खिलवाड़ करते हैं, व्यक्तिगत इंटरेस्टों को लेकर के आ जाते हैं, और फिर ऐसे लीडरों का जो आधिपत्य है वो अपराइट लोगों को रोकने के लिए काम करता है, अपनी टीम को, अपने साइकोफेंट्स को, अपने ही सिस्टम को बढ़ाने का काम करता है, तो इस किस्म के गलत फैसले लिए जाते हैं। और यही यहाँ पे हुआ है, यही दूसरी पार्टियों में होता है, क्योंकि पार्टी के ऊपर जब आदमी चला जाता है, पार्टी के कंट्रोल पे जब आ जाता है, तो वो अपना इंटरेस्ट देखने लग जाता है। पार्टी की बेसिक आइडियलिस्टिक अप्रोच के लिए अपराइट व्यक्ति तो उसकी प्रायोरिटी नहीं रहते हैं, और यही वजह हुई है यहाँ पे, यही वजह हुई है कि बहुत सारे लोग धड़ाधड़ इस्तीफे दे रहे हैं, धड़ाधड़ छोड़ के जाने लग रहे हैं, तो उनके अंदर ये कारण यही मैं महसूस करता हूँ। सर, आपके नरेंद्र मोदी अमित शाह से भी अच्छे संबंध रहे हैं, फिर भी अनदेखी? ये टिकटों के दिनों में वो लोग मिलते ही नहीं, और जब मुलाकात करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे उनके सामने ये विषय रखे ही नहीं गए, और कोई रखे गए हैं तो उसको ट्विस्ट करके रखा गया है। मैंने मोदी जी से यहाँ जब रैली में आए तो मैंने पूछा उनका व्हाट इज दिस, तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा बताया, कैसा बताया। मैंने कहा यदि ये बातें हैं तो क्या हमें कानों का कच्चा होना चाहिए? तो उन्होंने कहा दिल्ली बैठ के बात करेंगे, तो दिल्ली का फिर मौका नहीं देते वो बैठ के बात करने का। ये जो लीडर्स हैं, जब पार्टी में किसी को अट्रैक्ट करना होता है तो बिल्कुल घरेलू माहौल दिखाएंगे, अच्छे से आपके साथ बातें करेंगे, सब्ज बाग दिखाएंगे, और जब आदमी आ जाता है उसके बाद में ठीक है, फिर वो अपना उसी सिस्टम को चलाते हैं जो सिस्टम बिगड़े हुए ढरे का होता है। तो ये सब परिस्थितियां हैं, आपके सामने हैं, और इसी वजह से संतोष असंतोष ये सब बातें सामने आ रही हैं। सर, जैसे अभी आपने, आप पार्टी से, बरवाला से क्षेत्र से टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, आप मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की आपस में टक्कर रहेगी, फिर भी आप बरवाला क्षेत्र में अपनी झाड़ू से कैसे सफाई करेंगे दूसरी पार्टियों? देखो, विचार है जो लोगों को समझ में आना चाहिए। ऐसा कौन सा विचार है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में ही युद्ध है? ये तो भ्रमित विचार है, ये तो आपस में पीड़ाओं को टकरवाया जा रहा है, और फिर एक पीड़ा के पक्ष में बात आ जाए और वो पीड़ा फिर आगे पीड़ाओं को फैलाती रहे। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने तो लोगों को पीड़ाएं दे रखी हैं। यदि पीड़ाएं ना देते तो क्यों मैं कांग्रेस छोड़ पाता, क्यों मैं बीजेपी छोड़ पाता? इन पीड़ाओं के टकराव से लोगों को बचाना है और एक विकल्प की तरफ लेके जाना है। एक थोड़े से समय के अंदर एक पार्टी 2 राज्यों के अंदर सरकार चला रही है, दिल्ली के अंदर चला रही है
और पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा लड़ाका मजबूत सूबे के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अकाली के खिलाफ आम आदमी पार्टी को लोगों ने पसंद कर लिया है। गुजरात के अंदर उनके विधायक हैं, गोवा में उनके विधायक हैं। इस बात का मतलब ये कि जो थॉट प्रोसेशन जो मेरा पार्टियों में आने से पहले की जो मेरी लड़ाई है उस विषयों को आम आदमी पार्टी ने संजो करके स्प्रेड करके लोगों को अट्रैक्ट करने का प्रयास किया। तो हरियाणा के लोग भी, क्योंकि हम दिल्ली और पंजाब से जुड़े हुए हैं और हमारी कल्चर दिल्ली और पंजाब की कल्चर सेम है, और लोग अब दोनों पार्टियों के विकल्प के रूप में कुछ एक नेताओं को कुछ पार्टियों को जब देखेंगे तो आम आदमी पार्टी और उसके अंदर काम करने वाले लोग उनको एक विकल्प के रूप में मिलेंगे। और अब क्योंकि मैंने इस बात का फैसला कर लिया है तो हम बहुत सारे पूरे प्रांत के अंदर हमारे साथी इसके साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ कर के इस दिशा में बढ़ रहे हैं। कल बरवाड़ा में आपने देखा होगा, मैं रात को दिल्ली से 2 बजे पहुंचता हूं और सुबह मैं अपने मंदिर और उसकी तरफ जाता हूं, इतनी देर के अंदर मैंने फॉर्म भर के निकला हूं तो हजारों की संख्या में लोग बिना किसी मैसेज के बिना किसी बात के पहुंचे हुए थे। तो ये लोगों का प्यार और लगाव है जो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को होगा। सर, बरवाड़ा क्षेत्र की बात की जाए, ग्रामीण और शहरी, इससे पहले भी विधायक रहे हैं और भी लोगों ने जिस तरीके से उन्होंने काम किया, आज भी तमाम तरह की क्या क्या समस्याएं हैं, जरूरत क्या है लोगों को, और खासकर बरवाड़ा जो शहर है थोड़ी सी बारिश आते ही झील बन जाती है। देखिए, बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र शहरी और देहात के दोनों का सम्मिश्रण है। ग्राय 40 टोटल देहात था मेरे पास, तो वो तो जितने गांव हैं, जैसे हम ग्राय 40 के अंदर चाहे पानी बिजली खेत खलियान शिक्षा स्कूल कॉलेज सब हम देखते थे, वो हम देखेंगे। लेकिन उसके एडिशन में जो शहर की जो दिखते हैं वो म्यूनिसपलिटी से जुड़ी हुई है, और सड़कें हैं वो B&R और म्यूनिसपलिटी कॉरपोरेशन से जुड़ी हुई है। तो ये जो विषय है यहाँ पे निश्चित तौर से मेलगेट का क्षेत्र और बरवाड़ा का क्षेत्र, ना यहाँ पे सीवर सिस्टम ठीक है, ना यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था ठीक है, ना यहाँ के लेआउट बहुत अच्छे हैं। तो ये मेरी प्रायोरिटी का हिस्सा रहेंगे, जिनको मुझे पिछले नेताओं ने जो निराशा दी है उसको मैं एक अच्छी आश के रूप में लोगों को दूं और 5 साल में उन चीजों को मैं ठीक होते हुए दिखाऊं, ये मेरी प्रायोरिटी का विषय है बरवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में। प्रोफेसर साहब, जैसे आपको प्रतिनिधित्व जनता दे देती है, क्या आपने रोल मॉडल सोचा है बरवाड़ा के लिए, क्या आप कुछ नया करने वाले? देखिए, जब मैं गिराय के अंदर जीत करके यूनिवर्सिटीज और थर्मल पावर प्लांट इंजीनियरिंग कॉलेजेस पॉलिटेक्निक कॉलेजेस और नेटवर्क ऑफ रोड्स इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एनिमल हस्बेंड्री एंड हेल्थ हॉस्पिटल स्कूल एजुकेशन अपग्रेडेशन ये सब जब वहाँ किया है तो वही चीजें मेरे जहन में बरवाड़ा के लिए भी हैं कि मैं यहाँ पे बच्चों के रोजगार के लिए कोई प्रोजेक्ट लेके आऊँ, मैं बच्चों की शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटीज को बहुत अच्छा करके दूँ, और किसान की खुशहाली के लिए पानी की व्यवस्था अच्छी रहे और उसके भाव अच्छे रहें और उसकी जो लेआउट और रोड्स हैं गलियाँ हैं और उनके बिजली की सप्लाई है, ये सारी चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से करके दूँ। ये मेरा थीम प्रोजेक्ट है बरवाड़ा के लिए, कि जो अभी कोई पत्रकार पूछ रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि वो पुराना दौर आएगा अब छत्रपाल जीतेगा, तो वो पुराना दौर जो मैंने डेवलपमेंट का दिया, लोगों को सुखद स्थिति का दिया, भाईचारे का दिया, वो बरवाड़ा के अंदर दोबारा से आएगा, हरियाणा के अंदर दोबारा से आएगा, ये हमारा मिशन और लड़ाई है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। सर, बरवाड़ा से डिप्टी स्पीकर आए हैं, आपके पुराने साथी हैं, और अब आप क्या मानते हैं, वैसे कांग्रेस के तो भी आए ने, क्या मानते हैं, किससे आप फाइट होगी, क्या अभी अभी कैंडिडेट 17 तक विड्रॉल हो जाए फिर आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। जहां तक भाई रणबीर का बात है, मेरा अजीज है, बहुत अच्छा व्यक्ति है, और जब मैं छात्र राजनीति करता था, जब मैं पढ़ाता था, तब ये छात्र था वहां पे,
और राजनीति में दूरियां हो जाती है। दूरियां मैं तो ये कहूंगा कि जो जो रोल मॉडल जो मिशन हम लेकर के चले हैं, रणबीर भी उन चीजों का अनुसरण करे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रणबीर ने नलवा में भी काफी लंबे समय से चला, तो ये जानकारी मेरे बजाय आप नलवा के लोगों से जाकर के पूछोगे तो आपको रणबीर के बारे में ज्यादा, क्योंकि मैं तो उससे बड़ा हूँ उम्र में, एक्सपीरियंस में, हर तरीके से, तो मैं तो हमेशा उसके प्रति प्यार के शब्द कहूंगा और उसके अच्छे भविष्य की कामना भी मैं करूंगा। और दूसरा, कांग्रेस से जो आएगा, जो भी कोई मेरा विद्यार्थी होगा, किसी को मैंने सपोर्ट कर रखा होगा, किसी को मैंने राजनीति में बढ़ाया होगा, तो मैं जो कैंडिडेट हैं, जो भी अब हैं आएंगे, मेरे लिए तो वो अनुज हैं, छोटे हैं, मैं उनके बौद्धिक और मानसिक कौशल को और आगे अच्छा बने बढ़े, तो इस किस्म की कामना तो मैं उनके लिए भी करूंगा, लेकिन ये प्रतिनिधित्व मैं करूंगा और उनको भी हर दिशा में हम साथ लेकर के चलेंगे और हरियाणा और देश को अच्छा करने के लिए काम करेंगे। एक बड़े के नाते और एक अध्यापक के नाते मेरा फर्ज बनता है, ऐसा ही मैं करूंगा। जी, ये थे प्रोफेसर छत्रपाल। इनका साफ तौर से कहना था कि अभी बरवाला क्षेत्र में तमाम तरह की समस्याएं हैं जो अभी तक दूर नहीं हुई है, और आगे इनको प्रतिनिधित्व मिल जाता है तो आगे जो भी विकास के प्रोजेक्ट बरवाला क्षेत्र में लगाने का काम करेंगे। प्रवीण कुमार, हिसार।